नीति जी बेचैनी हाँ। तो उन लोगों की है ना जो बिना बात पे पीएम को, जो खुद बेल में बाहर रहकर पीएम को जेल में डालने की बात कर रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि आप लोगों की जो ये भ्रष्टाचारियों की बारात निकली है, आप लोगों को सहन नहीं हो रहा। पीएम को चुनने की प्रक्रिया वही है जो सीएम को चुनने की प्रक्रिया है, आप लोगों की दिक्कत नहीं। पीएम को चुनने की प्रक्रिया वही है जो सीएम को चुनने की प्रक्रिया है। आपने सीएम को क्लर्क बना दिया और पीएम को भगवान बना दिया। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सीएम को भी चुनने का वही प्रक्रिया जो पीएम के लिए है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, बट अल्टीमेटली आप लोगों का पॉइंट ये है कि आप लोगों को किसी भी तरीके से मोदी जी को हराना है, चाहे जेल में डाले, चाहे डंडे मारे, चाहे सर फोड़ दे, ये आप लोगों के बयान आ रहे हैं। तो आप लोग सोचिए कहां देश की आप लोग बात कर रहे हो। आप लोग बात कर रहे हो जो मोदी जी को वोट दे उसे डंडे मारो, जो मोदी जी को वोट दे उसको सर फोड़ दो, जो मोदी जी को हम जेल में डालेंगे। भैया कोई कारण तो होगा जेल में डालने का, कोई कारण तो लेकर आइए। कुछ तो होगा मोदी जी के खिलाफ जिसके जेल में डालोगे। आप लोग खुद तो बेल पे बाहर घूम रहे हो। आप लोगों से अपनी पार्टियां संभल नहीं रही है और आप लोग देश कैसे चलाना है ये हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हो। सर आप लोग पहले घर जाओ और अपनी पार्टियां संभालने की कोशिश करो, उसके बाद हमें बताना कि देश कैसे चलाना है और दुनिया कैसे चलानी है। और इस बार की आपकी गारंटी जो 210 का तेल है वो 420 का होगा, जो 40 का आटा है वो 80 पे पहुंचाएंगे। ये जो तमाम चीजें आप उठाते हैं ना सर, समझ रही है, ये सिर्फ यही दिखाई देते हैं। ये जितने भी मुद्दे आप गिनवाते हैं ना, ये सिर्फ यही नजर आते हैं। अभी कोई एक बड़ी रैली आप लोगों की साझा कोई यहाँ पर नजर नहीं आती है। पहले चरण का मतदान होने वाला है, कहीं भी आप दिखा दीजिए कहाँ है, दिखते क्यों नहीं है सर? और आपके राहुल जी क्या कर रहे हैं, जब ऐसे समय में भी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं तो फिर कब दिखाई देंगे? रैलियां हो रही हैं राहुल जी लगातार। हाँ सर, अंदर किसी चार दीवारी में कर रहे हैं रैली, मीडिया दिखाता नहीं है। अच्छा, आप कहते हैं कि मिड रैली नहीं करते, नहीं अभी इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है। दिखा कि नहीं दिखा मानी जी, वो 4,000 किलोमीटर की यात्रा की किस लिए थी सर आपने? जंगल में थे, किस लिए थी? पर आपने, आप अपनी पार्टी को नहीं बचा पा रहे। अरे पार्टी को नहीं बचा पा रहे, एक एक कर सब निकलते जा रहे हैं और किस तरह के आरोप लगा रहे हैं उस पे भी तो मंथन करने की जरूरत है कि नहीं है। लेकिन अवनी जयेश अवस्थी जी, फिर बाकी गौरव वल्लभ से ये भी पूछा था, उन्होंने कहा कि मुझे किस चीज का, एक सेकंड नीति जी आ रही हूँ। जब मैंने उनसे बात की, मुखातिब हुई मैं उनसे, तो मैंने उनसे ये पूछा तो कह रहे मुझे किस बात का डर दिखाएंगे, क्या मुझे भी कोई ईडी सीबीआई, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। वो कह रहे हैं एक केस नहीं है मेरे ऊपर, उन तमाम बातों को गिनवाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अवनी जयेश अवस्थी जी, मंशा यहाँ पर सिर्फ ये दिख रही है, और सिर्फ मीसा भारती नहीं बल्कि संजय सिंह ने भी बाहर आकर सबसे पहले यही बात कही थी कि मोदी जी को जेल में भेजेंगे। तो गठबंधन की लगता है तैयारी इस पर नहीं है, फोकस इस पर नहीं है कि हम किस तरह से जीतेंगे, फोकस इस पर है कि मोदी को जेल भेजेंगे जब हम आएंगे। अब आएंगे कैसे, ये भी तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि तैयारी उस तरह से नहीं दिख रही है। हिमानी जी, संजय मिश्रा यहाँ कह रहे थे कि मोदी जी सबको जेल भेजने की बात करते हैं। मेरा इको और आईको ठीक करवा दीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं फिक्स करवाती हूँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कौन सा ऐसा नाम बताऊं जिसके साथ वो आज हाथ में हाथ बांध के खड़े हैं, कौन सा ऐसा नाम है जिसके बारे में उन्होंने ना बोला हो? संजय सिंह का वो वीडियो लाखों लोगों ने देखा है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वड्रा, शरद पवार, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, और कोई नाम मेरे से रह गया हो तो वो भी मैं बता सकता हूँ, ए राजा, चिदंबरम, ये सारे नाम लेते थे, इनको जेल में जाना चाहिए। यहाँ तक कहा था कि 2 घंटे दे दो मुझे, 2 घंटे इंटरोगेशन करूंगा, सारा सब कुछ बाहर निकाल लूंगा। शीला दीक्षित के घर में वो एसी बताते थे, कितने एसी लगे जी शीला दीक्षित के घर पे। इस सब बातों का जवाब देना चाहिए ना। ठीक है, कोई 200, इनको ये बहुत बड़ा भ्रम था कि 200 यूनिट बिजली की वजह से इनकी सरकार आई है, ऐसा नहीं है। जब अन्ना हजारे का आंदोलन हो रहा था तो स्वयं स्फूर्त रूप से, वो तो एक जंतर मंतर पर रामलीला मैदान में चल रहा था, लेकिन दिल्ली शहर के सैकड़ों नुक्कड़ों पर लोग अपने आप उस धरने पर बैठे थे। आज कोई नहीं है ना, ये है हकीकत, ये है यथार्थ आज का। मीसा भारती ने जो कहा है वो आप एक बार बताइए कि वो जो उनको जो कन्विक्ट हुए उस पर मुकदमा तो कांग्रेस ने शुरू किया था। ठीक है, नीतीश बाबू ने शुरू किया था जब उस समय उस सरकार में थे वो। किसमें से किसी पर भी शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसमें पहले से मुकदमा ना चल रहा हो, पहली बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी है, जो लोग छोड़ के आ रहे हैं वो एक बात
बिल्कुल समान रूप से कह रहे हैं, गौरव वल्लभ हो, मुरली मिलिंद देवड़ा हो, प्रमोद कृष्णम हो, कि कांग्रेस पार्टी में हिंदुओं को गाली देना एक अनिवार्य शब्द है, मोदी को गाली देना एक प्रसाद यादव पे कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराए थे, लेकिन बीजेपी के द्वारा किस पे भैया मैं बीच में नहीं बोलता हूँ किसी क्योंकि वो बाहर से हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार के तरफ से किस पे? संजय मिश्रा है क्या? ठीक है, ठीक है। हाँ जी, संजय मिश्रा जी। अरे भैया संजय मिश्रा जी, पहले ये बताओ कि शीला दीक्षित के घर में कितने एसी थे, कितने गिने थे बताओ? उसके बाद सत्ता में मोदी जी बैठे थे और अब कितने एसी बैठे, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कितने का पर्दा लगा है, कितने का कमोड लगा है, कितने का फर्श बना है, ये बता दो। आज बता दो ना, क्यों, क्या दिक्कत है, शर्म क्यों कर रहे हैं, शर्म क्यों आती है तुम्हें, बताओ ना। एक सेकंड, शीला दीक्षित के घर में इतने थे और मेरे घर में इतने हैं, मैं बड़ा आम आदमी हूँ, बताओ ना, क्यों नहीं बताते? आज तक नहीं बताया, आज तक नहीं बताया, आज तक मीडिया को बुला के नहीं दिखाया। जो संजय सिंह की बात आई है, हाँ, चाहे वो संजय सिंह हो, हाँ, आज मुझे महात्मा गांधी जी का वो स्लोगन याद आता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब आप एक अच्छे मकसद को लेकर के आप आगे चलते हैं तो पहले लोग आपको रोकेंगे, जब आप नहीं रुकेंगे तो फिर आपका लोग मजाक बनाएंगे, और यदि उसके बाद भी आप नहीं रुकेंगे तो वो आपसे लड़ेंगे, और जब आप लड़ेंगे अंत में आपकी जीत होगी, ये जानती है मानी जी। आज अरविंद केजरीवाल इसका स्पष्ट उदाहरण है। अरविंद केजरीवाल के साथ याद करिएगा 2013 में कैसे मजाक बनाया गया था, उन्हें रोकने के प्रयास कैसे किया गया था, फिर मजाक बनाया गया, और आज हम नरेंद्र मोदी पूरी ताकत लगा दी है अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी, विशाल जी, प्रेम जी और विशाल जी का एक भी ओपनिंग कमेंट नहीं आया। अवनीश जी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं प्रेम जी और विशाल जी का रुख करूंगी। मैं कह रहा हूं कि वो महात्मा गांधी याद आ रहे हैं, महात्मा गांधी के शराब के बारे में क्या विचार थे बताओ ना आप, अन्ना हजारे के शराब के बारे में क्या विचार थे, एक पर एक फ्री दो, वैट 1% कर दो, पेट्रोल पे मत वैट घटाओ, ये जनता को गुमराह करने वाली किसी बात का तो जवाब दो ना, फिर बोलिए ये गौ मास के लिए गांधी जी ने हां किया था, अपनी बातों का जवाब दो, क्या एक्सेप्ट किया था, एक एक करके गांधी जी ने, एक एक करके, एक एक करके शराब बताइए ना, बताते उत्तर प्रदेश में अपना बना लेते हैं, गोवा में जाकर एक बोतल में एक फ्री का मुझे जवाब दे दो, आज मत गुमराह करिए, एक पर एक फ्री का जवाब दे दो, एक पर एक फ्री, ये जवाब मुझे ये बताओ, एक पर एक फ्री का जवाब क्या है, एक पर एक फ्री का जवाब क्या है, मुझे ये बता दो, एक पर एक फ्री का जवाब दे दो, एक पर एक फ्री का जवाब, की आग में क्यों झोंका, एक बोतल खरीदो दूसरी फ्री मिलेगी, ठीक है, ये बताना, आए थे बिजली फ्री देने, ठीक है, आए थे बिजली फ्री देने और देने लगे शराब फ्री, को आपने 60 पे कैसे पहुंचाया? मैं आपको जरा यहाँ पर रोक रही हूँ, एक बार जरा प्रेम जी और विशाल जी का भी ओपनिंग कमेंट आने दीजिए प्लीज, फिर उसके बाद मैं दोबारा सेकंड राउंड में आऊंगी। लेकिन प्रेम जी 60 पे पहुंच गया आज तो शराब, पीएम मोदी चुटकी लेते हुए भी नजर आए, यूं तो हर रैली में ही वो चुटकी ले रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो सुस्त इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि उनके एक प्रमुख जो हैं उन्होंने ये कह दिया कि भैया जब तक पीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करोगे, ये उस तरह से नहीं दिखाओगे, तब तक मैं कैंपेनिंग नहीं करूंगा, कौन हो सकता है? देखिए, हम लोग हमेशा उसी बात पर चर्चा करते हैं जो प्रधानमंत्री बोल देते हैं। इस देश में सर्वे आ रहे हैं, CSDS का सर्वे आया है, महंगाई और बेरोजगारी ये दो मुद्दे हैं, दोनों को जोड़ के 50% लोग इसको मुद्दा मना रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी जनता की नजर में इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है, ये बात जरूरी है करना। एक बात मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूँ, जो अभी गौरव वल्लभ जी की जो बाइट आई उस पर एक टिप्पणी मैं करना चाहता हूँ। गौरव वल्लभ जी ने कहा वेल्थ क्रिएटर को गाली देना, वेल्थ क्रिएटर किसको बोलते हैं? गौरव वल्लभ जी, आप तो अर्थशास्त्री हैं, वेल्थ क्रिएटर इस देश की जनता है, ये वेल्थ एब्जॉर्बर है जिनको आप वेल्थ क्रिएटर बोल रहे हैं, लीडिंग नेशन जो वेल्थ, वो हम लोग कैसे बने? दीजिए आ रही हूं, आप मुझे ये बता दीजिए, आप लोग बेरोजगारी का डंका बजा रहे हैं, एक बार उनकी बात आ जाए उसके बाद रिएक्ट करिएगा, अभी तो विशाल जी का ओपनिंग कमेंट भी नहीं आया, आप बोलिए विशाल जी को एक बार स्क्रीन। मैं कह रहा हूं वेल्थ क्रिएटर इस देश की जनता है, 22 लोगों के पास में जितनी दौलत है उतनी 70 करोड़ लोगों के पास में नहीं है, वेल्थ क्रिएटर आप समझिए, ये हमारे अर्थशास्त्र में बड़ा अजीबोगरीब तरीके से चीजों को देखने की परंपरा बन गई है। सोना जब महंगा होता है तो कहते हैं सोना चमक गया, ये आम नजरिया नहीं है, ये अमीरों के देखने का नजरिया है, कारोबारियों का नजरिया है, लेकिन आम नजरिया तो सोना उसकी से दूर चला गया, ये होता है।
जब आप नजरिया बदलेंगे तो आप अमर्त्य सेन होंगे, आप मनमोहन सिंह होंगे। इसलिए आम लोगों से जुड़ा हुआ नजरिया जब लाएंगे तो मनरेगा जैसी चीजें आएंगी और देश की अर्थव्यवस्था चलने लगेगी, जो जो पंगु हो जाया करती है मंदी के दिनों में। पैसा आम लोगों के बीच कैसे जाएगा ये महत्वपूर्ण है। ये मैं गौरव बल्लभ जी को संदेश देना चाहता हूँ कि आप वेल्थ क्रिएटर का मायने समझिए कि वेल्थ क्रिएटर है कौन।